थर्ड डोज लेने के लिए वैक्सीन का. सो बूस्टर डोज के लिए हम जा रहे हैं. एंड मेरा सेकेंड डोज लगा था अगस्त में, और थर्ड डोज आपको 6 मंथ के बाद लगवा लेना चाहिए था, बट मेरा थोड़ा लेट हो गया है बिकॉज आई वॉज स्टेइंग इन इंडिया. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. थोड़ा सा लेट हो गया है बट ठीक है. लेकिन आप बूस्टर डोज ज़रूर ज़रूर लगवाइए. और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी मैं आपके लिए, और सपोर्ट करिए. तो चलिए बूस्टर डोज लगवाने चलते हैं. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. आज मैं अपना बूस्टर डोज लूंगी, और मुझे कौन सी वैक्सीन लगी है वो आप फर्स्ट और सेकेंड डोज के एक्सपीरियंस में शेयर किया है मैंने, तो वो वाले ब्लॉग में जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. सो थैंक्स, यहाँ आ गए अभी हम, और अब अंदर जा रहे हैं बूस्टर डोज लेने के लिए. फाइनली ब्रेकफास्ट कर लिया था, एंड आप लोग भी ब्रेकफास्ट ज़रूर कर, वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट ज़रूर करके जाएंगे. व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है. आपने सबसे पहले घबराना नहीं है. तो मेरा थर्ड डोज लग चुका है, एंड अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, अभी जस्ट करवा के आई हूँ. अब रुको जरा, सबर करो. एंड इधर पार्क में बैठ गए थे कुछ देर, बहुत अच्छा पार्क है उसका, अलग से मैं कुछ शॉट्स लिए अच्छे मैंने, वो डालूंगी मैं. 6 hours later. तो हम घर पे आ गए हैं, और अभी बज रहे हैं रात के 9, और हमने हमारा डिनर बना लिया है, अब लेंगे हम. एंड मुझे अभी हैंड पेन हो रहा था, और अभी भी हो ही रहा है मींस, एंड हेडेक हो रहा है, फीवर भी आना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने पैरासीटामोल ले लिया है. हितेश अब बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, एंड मैं तो रेस्ट करूँगी, अब कल मिलती हूँ आप लोगों से. आप बताइए आपका फर्स्ट डे क्या रहा था और सेकेंड डे. 8.5-9 घंटे बाद तो मतलब ऐसा इफेक्ट चालू हो जाता है धीरे धीरे, एक रिएक्शन होते हैं और क्या. अभी थोड़ा बुखार आएगा, हल्का सा चिल्स आएगी, मतलब ठंडी ठंडी वो लगेगी बॉडी में, ठंड लग रही है. फिर थोड़ा दर्द होगा, स्वेलिंग आ जाएगी जो जहाँ पे वो वैक्सीनेशन लगा है वहाँ पर. तो मुझे भी ऐसा ही हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन वो क्या है कि मैंने गोली नहीं ली थी उस दिन, मैंने सहन कर लिया था. लेकिन अगले दिन आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, आपकी मतलब बॉडी पूरी पेन करेगी सब तरफ से. तो मतलब डिपेंड करता है किस किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है. तो मेरे टाइम मुझे थोड़ा एवरेज था, इतना ज़्यादा खराब भी नहीं था, इसलिए मैंने गोली नहीं ली. थोड़ा फीवर ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने पहले ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया ताकि कल मुझे सुबह उठ के कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. The next day. Good morning friends. चाय लेके आ गई, गैलरी में चलते हैं. आपको बाहर का व्यू भी दिखाना था. देखिए फ्लावर्स लगते हैं यहाँ पे सुंदर सुंदर, और इधर कुछ नए घर बने हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड. मुझे लगा था वैक्सीन का थर्ड डोज, एंड रात में फीवर एक बार फिर से आया था मुझे, तो एक बार फिर से पैरासीटामोल लेना पड़ा था, और हाथ में दर्द भी हो रहा है, एंड फीवर तो अब चले गया बट फिर भी बॉडी पेन हो रहा है मुझे अभी. सो बस यही था मेरा वैक्सीनेशन का व्लॉग, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे और आगे वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है, व्यूज़ बढ़ते हैं. तो थैंक यू, बाय बाय.